नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। गंगानगर दुग्ध डेयरी हनुमानगढ़ के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र मोर के द्वारा आज कार्यग्रहण किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि कार्यग्रहण के मौके पर जहां एक और गंगमूल डेयरी के एमडी पीके गोयल व उसका स्टाफ व जो भी इस गंगमूल डेयरी के सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनकी उपस्थिति में आज राजेंद्र मोर के द्वारा अध्यक्ष पद का कार्यग्रहण किया गया। कार्यग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर भी अपनी डेयरी के अंदर जो आने वाले समय में सुधार किए जाएंगे उसके बारे में उन्होंने बताया, जानकारी दी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ दुग्ध डेयरी जो कि पीके गोयल लंबे समय से इस डेयरी को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और राजस्थान के अंदर इसका नाम जो है रोशन कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। स्टाफ के साथ सामंजस्य स्थापित कर एमडी के द्वारा सभी प्रकार की सुविधाओं को इस डेयरी के अंदर धीरे धीरे कर बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर इस मौके पर डेयरी के अध्यक्ष के द्वारा मीडिया के समक्ष किस प्रकार अपने भाव प्रकट किए गए हैं आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं सबसे पहले जो जिन्होंने सहयोग किया है उनको धन्यवाद देता हूं और जो भी हमारे दुग्ध उत्पादक है उनको जितना भी सहयोग होगा, जितनी सहायता मिलेगी, जितना अच्छा रेट मिले, अच्छा जो पशुओं की बीमारियों का इलाज हो, ऐसी समस्याओं का हर संभव हल करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष साहब, जहाँ से आप गुजरते हो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, इतना गंदा पानी डेयरी के आपके ऑफिस के पास ही है, क्या कहेंगे इस संबंध में, क्या प्रयास रहेगा आपका इस संबंध में? जो भी प्रशासन से मिल के हम इनको अवगत कराएंगे भी ये मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारी है, तो इनके संभव जैसे भी हमारा प्रयास रहेगा, अध्यक्ष साहब से मिलेंगे और जो भी समस्या जैसे हल होगा उस समस्या उठाएंगे। हनुमानगढ़ की डेयरी राजस्थान में सबसे अच्छे क्वालिटी जो पिछले दिनों क्वालिटी इंश्योरेंस में सबसे बढ़िया रही है और यहाँ का दूध भी अच्छी क्वालिटी का दूध है, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या प्रयास करेंगे और भी अच्छा रैंक आए अपने? इनको मेंटेन करने के लिए जो कर्मचारी हमारे साथी है उनका जो भी सहयोग हम करेंगे और जो कोरोना काल में इन्होंने जो काम किया है और ये प्रोग्रेस की है इनके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं इन्हीं आशा के अनुरूप आपको बता रहा हूँ कि हम सहयोग करते रहेंगे, जितना हमारा सहयोग होगा वो संघ के लिए तैयार है। वर्तमान समय में कोरोना भी चल रहा है, आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी दुग्ध डेयरियों के लिए, आम जनता के लिए भी कोरोना से बचने के लिए? कोरोना काल में थोड़ा संकट तो है ही, बाकी जैसे भी ये कर्मचारी है यहाँ के बढ़िया, जैसे एमडी गोयल साहब है और मिल बैठ कर जैसे भी होगा हल करेंगे इसका। द्वारा कहा गया कि डेयरी के स्टाफ के साथ मिलकर जितनी भी दुग्ध उत्पादन करने की संस्थाएं, जितनी भी छोटी छोटी डेयरियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, भुगतान से संबंधित सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा और जो दुग्ध उत्पादन के सदस्य हैं, लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस डेयरी की तरफ से लाभ देने का कार्य आने वाले समय में किया जाएगा और जो भी समस्या इस डेयरी स्तर पर होगी सब मिलजुल कर हम हल करने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि डेयरी के अंदर बिजली को बचाने के लिए जो है प्लांट लगाया गया है और वहीं दूसरी ओर डेयरी के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार स्टाफ के साथ पीके गोयल एमडी लगे हुए हैं। अब अध्यक्ष का उन्हें और लाभ मिलेगा, अध्यक्ष के साथ मिलकर सदस्यों के साथ मिलकर इस डेयरी के कार्य को आगे बढ़ाने में वे सफल भी हो सकते हैं और इनका अध्यक्ष का और सदस्यों का योगदान लेकर वे डेयरी को आगे बढ़ाने का उन्होंने कहा कि प्रयास करेंगे। अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया कि हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।